नंबर वन, सैम सप्लाइज। दोस्तों, यह कमाल की मशीन मेटल के रस्सियों को फंदे बनाने का काम करती है। मेटल के इन तारों को अगर हाथ से या टूल से आकार दिया जाए तो उसमें टाइम तो लगता ही है, साथ ही चोट लगने का भी डर बना रहता है। लेकिन यह कमाल की मशीन धातु के इन भारी भरकम कठोर रस्सियों को आसानी से किसी भी शेप व साइज में मोड़ सकती है। जब मशीन से निर्धारित फंदों का आकार बन जाता है, तब मशीन इन फंदों पर निर्धारित प्रेशर डालकर अच्छे से टाइट कस देती है। इस तरह के मेटल के फंदों का इस्तेमाल ज़्यादातर क्रेन द्वारा भारी भरकम कामों में इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर टू, एल्यूमिनियम बोतल मेकिंग। दोस्तों, इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बोतल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले वाटर ब्लॉकिंग का प्रोसेस मशीन की मदद से किया जाता है। उसके बाद इन एल्यूमिनियम को बॉटल के साइज में कटिंग किया जाता है। उसके बाद इनके नेक को एक स्पाइनिंग आकार दिया जाता है। अब इनके टॉप और बॉटम को एक बॉटल का आकार देते हैं। इसके बाद इन बॉटलों में थ्रेड बनाया जाता है। अब इन बॉटलों को अच्छे से पॉलिशिंग किया जाता है। अब इन बॉटलों के ऊपर पाउडर की कोटिंग करते हैं, फिर इन्हें ड्राई कर लेते हैं। अब बॉटलों के ऊपर मशीन से सिल्क की प्रिंटिंग करते हैं, जिसके बाद ये बॉटल पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। नंबर थ्री, एक्रेलिक बेंडिंग मशीन। दोस्तों, यह कमाल की मशीन प्लास्टिक से बने चीज़ों को मोड़ने का काम करती है। प्लास्टिक के इन प्लेट व सीट को एक निश्चित आकार में मोड़ने के लिए इस मशीन के बीच में एक हीटिंग रॉड लगी होती है, जिसके ऊपर इन प्लास्टिक के प्लेटों को रख दिया जाता है। इस हीटिंग रॉड की लंबाई चौड़ाई को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। हीटिंग रॉड के ऊपर प्लास्टिक को रखने पर वह हिस्सा पूरा नरम हो जाता है, जिस कारण प्लास्टिक बड़ी आसानी से किसी भी साइज में मुड़ जाता है। नंबर फोर, नरगिसा। दोस्तों, यह कमाल की मशीन लोहे के रॉड को एक घोंघे के आकार में मोड़ने का काम करती है। इस मशीन को कोई भी अकेला व्यक्ति आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसमें सबसे पहले स्टील के रॉड को गर्म करके इस मशीन में रखते हैं। उसके बाद यह मशीन बड़ी सफाई से इन लोहों को घोंघे के आकार में मोड़ देती है, जिनका इस्तेमाल लोहे से बनी हर चीज़ों जैसे गेट आदि को डिजाइन देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।